सो आर द गुड आर्टिस्ट रियली वेरी लकी? क्या जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जिनको हम देखते हैं और हम फॉलो करते हैं, क्या वो सच में इतने लकी होते हैं कि उनके पास इतना ज़्यादा काम होता है और वो इतने बेस्ट टैटूज बना पाते हैं? क्या वो लोग पैदा ही ऐसे हुए थे या बस उनका लक है कि हाँ उनके पास सब क्लाइंट्स जाना चाहते हैं, या फिर सच में वो कुछ ऐसा आउटरेजियस और कुछ इतना स्मार्ट करते हैं जिसकी वजह से सब लोग उनको प्रेफर करते हैं? जैसे कि क्रिश्चियन ने कहा था, लाइफ इज मेड अप ऑफ पीपल हु आर नो स्मार्टर देन यू, एंड दिस लाइन रियली स्ट्रोक मी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो का, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, बिकॉज उस वीडियो ने लास्ट ईयर मेरी लाइफ में मेजर चेंजेस लाए थे। इट इज़ लाइक अ अवेकनिंग वीडियो एंड आई रियली वॉन्टेड टू इंस्पायर ऑल ऑफ यू पीपल बाई मेकिंग दिस वीडियो, सो दैट इवन इफ यू डोंट टेक द कोर्स, इवन इफ यू जस्ट पॉज द वीडियो राइट नाउ और आप वीडियो को देखना बंद कर देते हो, दिस सिंगल स्टेटमेंट रियली अफेक्ट्स यू कि जितने भी लोग आपके आसपास होते हैं सब इक्वली स्मार्ट होते हैं। इट इज़ जस्ट दैट आपके एफर्ट्स कितने ज़्यादा हैं और कितने कम हैं वो दो लोगों को अलग अलग करते हैं। सो ऑल द पीपल अराउंड यू आर द सेम, हम सब लोग एक जैसे होते हैं, सिर्फ हमारे एफर्ट्स ज़्यादा होते हैं और कम होते हैं और वही हम लोगों के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो आप अच्छे आर्टिस्ट को ले लो, आप एवरेज आर्टिस्ट को ले लो, सबके पास 24 घंटे होते हैं। इट ओनली मैटर्स कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो और आप उन 24 घंटों को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी सक्सेस के लिए या फिर अपने करियर के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए कितना एफर्ट डालना चाहते हो, बिकॉज एफर्ट्स रियली कैन चेंज योर फ्यूचर। सो एज़ यू ऑल नो, मैंने टैटूइंग स्टार्ट करी थी 2010 के अंदर, कॉलेज ख़त्म करने के बाद मैं लो मेरिडियन में जॉब करता था एंड देन मैंने टैटूइंग ज्वाइन करी एंड इनिशियल 2 साल मेरे बहुत अच्छे गए थे, मतलब मैं बोल सकता हूँ दे वर लाइक ग्रोथ ईयर्स, और उसके बाद आने वाले जो 5 साल थे वो बिल्कुल ऐसे थे, लाइक कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, बिकॉज ना तो कोई समझाने वाला था, ना ऑफलाइन अच्छी ट्रेनिंग होती थी, ना उस टाइम पे यूट्यूब पे इतना ज़्यादा बूम था कि लोग नॉलेज दें, एंड समहाउ मेरे को खुद को मोटिवेशन नहीं रहती थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों में मैंने बुक्स पढ़ के, अच्छे आर्टिस्ट से मिलके, ट्रैवल करके, कन्वेंशंस अटेंड करके अपने आप का माइंडसेट थोड़ा सा चेंज किया है कि नहीं, आई कैन ऑल्सो डू वॉट अदर पीपल आर डूइंग, लाइक ऑल द पीपल हु आई इंस्पायर फ्रॉम, ऑल द पीपल जिनके काम मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे जेमी महूद हो गया, लोकेश वर्मा हो गया, सनी भानुशाली हो गया, दिमित्री सामोहन हो गया, इन सबका काम मेरे को बहुत अच्छा लगता है और सबके काम में कुछ ना कुछ इंस्पायर करने वाला होता है। सो मैं उन सबका काम इतना ज़्यादा देखता था, उनके इंटरव्यूज़ को इतना ज़्यादा और उनकी वीडियोज़ को इतना देखता था कि मुझे उनके बारे में पता लग पाए, और इसी वजह से आज मेरा माइंडसेट ऐसा हो पाया है दैट माई डे स्टार्ट्स विद मोटिवेशन एंड माई डे एंड्स विद मोटिवेशन। माइंडसेट ही ऐसा हो गया है कि पूरा दिन मोटिवेटेड रहना है, ग्रोथ के बारे में सोचना है। And if you also really want to grow, तो my advice to you is कि 24 घंटे आपके mind में growth, motivation, mindset, आप कैसे चीज़ों को tackle कर सकते हो, आप क्या वो चीज़ कर सकते हो जो कि आपकी growth में help करेगी, इन सब topics के बारे में आपको सोचना चाहिए। So last month हमने एक workshop conduct किया था जो कि बहुत extremely successful रहा था, we had 22 people from all around India, और उसके बाद लोगों ने बोला कि कोर्सेज के बारे में क्या करना है, सो पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि कोई एक कोर्स होना चाहिए जो कि कम ड्यूरेशन का हो, जिसके अंदर वो लोग आके अपनी स्किल्स को वर्कशॉप की तरह बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे ले जा पाएँ, वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा क्राफ्ट कर पाएँ। आई मीन एवरीबडी इज़ गुड, लेकिन दे नीड टू नो वेयर दे आर लैकिंग। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप सही काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो? So, if you want to do good work, you really need to understand what good work is. For example, अगर आपको यही नहीं पता कि एक अच्छी मशीन और एक बुरी मशीन में और एक हैंड स्पीड में, हैंड कंसिस्टेंसी में, डेप्थ में और मशीन की वोल्टेज में, इन सब चीज़ों में क्या कनेक्शन होता है, हाउ विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक अच्छा टैटू कैसे बनाया जाता है? सो लास्ट वीक जब मेरे पास ये सारी इंक्वायरीज आई कि लोग चाहते हैं कि एक ऐसा कोर्स हो जो कि बहुत छोटी ड्यूरेशन का हो, जहाँ पे वो आर्टिस्ट जा सकते हैं जिनको मशीन पकड़नी आती है लेकिन उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिनको थ्योरेटिकली ज़्यादा नॉलेज नहीं है और प्रैक्टिकली भी उनको कोई मेंटोर नहीं मिला है जो कि उनको समझा पाए कि वो क्या गलत कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू हैव अ टैटू आर्टिस्ट
Bootcamp. So इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई जिसके अंदर मैं अनाउंस करना चाहता था टैटू आर्टिस्ट Bootcamp का. Now what is Tattoo Artist Bootcamp? और Bootcamp होता क्या है? So Bootcamp is almost like a crash course, but exactly crash course नहीं होता है. It is like आपको हर चीज़ के बारे में brush up knowledge दी जाती है. कहीं पे भी अगर आप lack कर रहे होते हो तो उसकी आपको proper knowledge दी जाती है, ताकि जो भी आपके hurdles आ रहे हैं, जो भी आपके problems आ रहे हैं एक perfect tattoo बनाने में, उस चीज़ को address किया जा सके, उस चीज़ को clear किया जा सके, ताकि जो एक छोटा सा gap आ रहा है, आपको आता है वो चीज़ को करना, लेकिन जो एक छोटा सा गैप आ रहा है कि वो परफेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो परफेक्ट हो जाए. अब भले ही वो फोटोशॉप हो, भले ही वो मार्केटिंग हो, भले ही वो टैटूइंग हो या फिर फोटोग्राफी हो, एक वो छोटा सा रह जाता है, एक छोटा सा पार्ट रह जाता है जिसकी वजह से वो बेस्ट नहीं हो पाता या फिर वो गुड नहीं हो पाता. सो द Bootcamp विल हेल्प दोज पीपल टू रिमूव दैट स्मॉल गैप, कि वो एकदम सही वो सारे कंसेप्ट जो हैं जो लोगों के माइंड में हमेशा रहते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं. सो हियर इट इज अ टैटू आर्टिस्ट Bootcamp. इफ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट द नेक्स्ट 5 weeks ऑफ योर लाइफ इनटू दिस टैटू आर्टिस्ट Bootcamp, आई कैन अश्योर यू दैट यू कैन डबल योर इनकम. सो फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप एक टैटू स्टूडियो में काम कर रहे हो और आपकी सैलरी 20-25,000 है. सो आई कैन अश्योर यू कि अगर आप 100% एफर्ट्स डालते हो, मेरे सिलेबस के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करते हो, एंड इफ़ यू आर विलिंग टू चेंज योर फ्यूचर एंड इन्वेस्ट दीज 5 weeks, ये 5 हफ्ते आप फुल एफर्ट के साथ मेहनत करना चाहते हो, देन आई कैन एश्योर यू कि यू कैन डबल अप योर इनकम. रादर आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी बिजनेस मैनेजमेंट, आपका मोटिवेशन, आपका माइंड सेट, आपकी फोटोशॉप स्किल्स, आपकी डिजाइनिंग स्किल्स, आपकी क्लाइंट हैंडलिंग, ये सब कुछ 10 times बेटर हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज दिस कोर्स फॉर? सो दिस कोर्स इज़ फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी टैटूइंग. जिन लोगों को मशीन पकड़नी आती है, बहुत बेसिक तरीके से उनको लाइनिंग करनी आती है या शेडिंग आती है, या उतना भी नहीं आता लेकिन वो इतने एंथुजियास्ट हैं कि वो एक टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हैं. एनी वन हु वॉन्ट्स टू बम्प अप देयर क्रिएटिव एंड बिजनेस स्किल्स. मे बी आप एक टैटू आर्टिस्ट हो और आप बेसिक लेवल पर टैटू करते हो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, आप और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओ और आप एक छोटा सा टैटू स्टूडियो खोल पाओ, अपनी बिजनेस स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर पाओ, देन दिस कोर्स इज फॉर यू. Anyone who's struggling to make crisp lining and smooth shading. So maybe आपको लाइन बनानी आती है लेकिन आपकी लाइनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और आप शेडिंग करते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा इंक यूज़ करना चाहिए, या फिर कितना डीप जाना चाहिए, या फिर कौन सी मैग्नम का यूज़ करना चाहिए, और किस तरीके से स्मूथ शेड्स को लाया जा सकता है, then this course is for you. Anyone who lacks in customer handling, photography, color packing, smooth shading, या फिर कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज, अगर आप उस चीज में lack कर रहे हो, then this course is for you. So guys, if you're really interested to bump up your tattooing skills, अगर आप चाहते हो कि आप जिस तरीके से tattoo करते हो उसको और ज्यादा professional तरीके से करो, then you can definitely join the Tattoo Artist Bootcamp. I'm going to start it at these dates, and if you're interested, you can enroll yourself because we only have 10 seats for it. All the details regarding the Tattoo Artist Bootcamp are there in the description box below. And I'm also planning to come up with a workshop of photography or marketing. So agar aapko lagta hai ki aap marketing mein interested ho gaye ya photography mein, to niche comment section mein aap bata sakte ho, and hum uski workshop jaldi arrange kar sakte hain. And I'll see you in the next video, guys.